इस बीच की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुखदेव गोगा मेडी का आज अंतिम संस्कार है और दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। गोगा मेडी में यह अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम के बाद सुबह थोड़ी देर के लिए उनका पार्थिव शरीर जयपुर स्थित राजपूत भवन में रखा गया, जहां पर हनुमानगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव अब रवाना कर दिया गया है पार्थिव शरीर को। आपको बता दें कि सुखदेव के परिवार का देर रात तक धरना चल रहा था, लेकिन बाद में अधिकांश मांगे उनकी मानी गई, धरना खत्म कर दिया है परिवार ने। उनके परिजनों की ज्यादातर मांगे मान ली गई। हालांकि सुखदेव की पत्नी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। डीजीपी ने जांच के लिए SIT टीम का गठन कर दिया है। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुई थी, उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि देर रात ये प्रदर्शन थमे और आज उनका अंतिम संस्कार 2 बजे किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामणि को इस वक्त अंतिम दर्शन के लिए यहाँ राजपूत सभा भवन लाया गया था जयपुर में। उनका पोस्टमार्टम हुआ रात और उसके बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए लाया गया। और इस वक्त तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं राजपूत सभा भवन जयपुर से। यहाँ पर उनके समर्थक, उनके परिवार वाले सभी यहाँ पर मौजूद है। और जरा आप ये तस्वीरें देखिए, जिस एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है उसको यहाँ से फिलहाल निकाला जा रहा है और यहाँ से उनका जो पैतृक गाँव है गोगामणि वहां पर लेकर जाया जाएगा। रास्ते में जगह जगह उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको राजपूत सभा भवन जयपुर में, जहां पर 36 कौमें, राजपूत समाज और साथ ही साथ जो भी यहां पर कर्णी सेना के समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे। और देखिए लगातार जो समर्थक है वो इसके साथ चल रहे हैं और यहां से आगे की तरफ जा रहा है। अब यहां से कहां जा रहा है पार्थिव शरीर? पार्थिव शरीर अब कहां? दिल्ली से श्याम ठाकुर गोगामणी जाएंगे, वहां से वहां पार्थिव उधर ही लगेगा। यहां से भवानी निकेतन ये कहेंगे पहले पार्थिव देव को वहां धक जोड़ के विनती है कि वहीं से होगा। यहां पर अंतिम यात्रा जो है वो निकल रही है सुखदेव सिंह गोगामणि की और यहां से अंतिम दर्शन के बाद अब पार्थिव शरीर को निकाला गया है। और इसके साथ ही अब देखिए भारी पुलिस बल साथ में तैयार है जो कि एस्कॉर्ट करती हुई इस पार्थिव शरीर को यहां से गोगामणि तक लेकर जाएगी। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर के राजपूत भवन से, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामणि जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कर्णी सेना के, उनके पार्थिव शरीर को जयपुर से अलग अलग जगह होते हुए गोगामणि ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज जयपुर। तो आपने हमारी सहयोगी मदीहा की रिपोर्ट देखी और सीधे अब उनका रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वो लाइव जुड़ रही। मदीहा, जिस तरीके से 2 बजे अंतिम संस्कार होना है, गोगामणि पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और जिस तरीके से पूरा मामला संवेदनशील बना हुआ है, भावनाएं लोगों की उफन रही हैं, उसमें प्रशासन और पुलिस की क्या तैयारी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, मामला तो संवेदनशील है। और जो पहला सवाल आपने किया कि कितना टाइम यहां से लगेगा, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि पुलिस एस्कॉर्ट करती हुई लेके जाएगी गाड़ी को जिसमें पार्थिव शरीर रखा हुआ है सुखदेव सिंह गोगामणि का, तो तकरीबन 6 घंटे लग जाएंगे फिर भी उन्हें। लेकिन क्योंकि रास्ते में अलग अलग जगह रुका जाएगा, जैसे कि चोमू और चुरू के रास्ते जो है ये गोगामणि तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा, साथ में उनके परिवार वाले हैं। और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह से होता हुआ जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है हर जगह जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट पर है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उनकी पत्नी और परिवार ने, साथ ही साथ कर्णी सेना राजपूत समाज ने 72 घंटे का अल्टीमेटम जो है पुलिस प्रशासन को दे दिया है, क्योंकि यही सब बातें जो हैं वो मानी गई हैं और इसी पर ही राजी हुआ था कल उनका परिवार उनका जो दाह संस्कार है वो करने के लिए। तो अब देखना यह होगा 72 घंटे के अंदर जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, जो शूटर हैं, क्या उनको पुलिस पकड़ पाएगी और अगर पकड़ती है तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, आगे किस तरह से ये कार्रवाई बढ़ती है। क्योंकि परिवार ने तो मांगे बहुत सारी कर दी थी, NIA की जांच जो है वो परिवार चाहता है, जिसके लिए पुलिस से उनको आश्वासन मिल चुका है। और इस मामले में जो यहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने भी बातचीत की और अब देखना ये होगा कि जो परिवार की मांगे हैं वो कितने जल्दी जो है वो मानी जाएंगी। लेकिन फिलहाल आज 2 बजे गोगामणि में अंतिम संस्कार जो है वो होना है सुखदेव सिंह गोगामणि का। जी
बिल्कुल मदिहा, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तमाम सवाल सरकार पर उठे और पुलिस पर उठे, और कई ऐसे गोगामेडी के बयान भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें लगातार और बार बार वो कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा आखिर क्यों नहीं मिल रही है। क्या इस सवाल को लेकर पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो कोई कुछ बोल पा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी ये बहुत बड़ा प्रश्न बना रहेगा कि जब अंदेशा था, आशंकाएं थी, तो गोगामेडी को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। बिल्कुल, बड़ा सवाल तो ये परसों से ही बना हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनके परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथी सवाल उठा रहे हैं कि उनको लगातार थ्रेट्स मिल रही थी अलग अलग जगह से, उसके बावजूद वो पुलिस प्रशासन के संपर्क में थे, बार बार जाते थे, सुरक्षा मांगते थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। तो लगातार यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवाल तो खड़ा ही हो रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पर सरकार रही अभी 5 साल, हालांकि इस वक्त जैसे कि शपथ ग्रहण होने वाला है नई सरकार का, उससे पहले ये घटनाक्रम हुआ है, तो जाहिर सी बात है अभी जो भी कुछ बातचीत परिवार की हुई है वो जो पुलिस प्रशासन है उसी से डायरेक्टली हो रही है। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है, 72 घंटे का अल्टीमेटम परिवार ने दे दिया है, और अब पुलिस इस चीज को कैसे सुलझाती है, किस तरह से इस केस को सॉल्व करती है, ये देखना होगा, और कितनी जल्दी हथियारों को, शूटर्स को पकड़ती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब भी निश्चित तौर से तलाशे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मदिहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है वो पूरी टाइमलाइन एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए, 5 दिसंबर 2023 सुखदेव गोगामेडी की निर्मम हत्या की गई, ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाई गई, 2 आरोपी आए थे, उन पर फायरिंग की गई, और 5 दिसंबर को हालांकि आरोपियों की पहचान की गई और पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि पकड़ा जाएगा। 6 दिसंबर की बात करें, हत्याकांड में FIR दर्ज की गई पुलिस की तरफ से 6 दिसंबर को, लेकिन सवाल कई बने हुए हैं, और 6 दिसंबर को ही जांच के लिए टीम का गठन किया, DGP भी कह रहे हैं कि SIT लगा दी गई है, और अब 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है, क्योंकि गोगामेडी की जो पत्नी है उन्होंने इसी शर्त पर अपना धरना खत्म किया कि 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ा जाए। राजस्थान के कई शहरों में प्रदर्शन चल रहा है, वो तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, सुखदेव का परिवार भी धरना दे रहा है, और सवाल के साथ कि आखिर सुरक्षा मांगी जा रही थी, सुरक्षा दी क्यों नहीं गई। सुखदेव के परिवार की कुछ मांगे मान ली गई हैं, इसके साथ ही साथ 72 घंटे का अल्टीमेटम भी परिवार ने दिया है कि 72 घंटे में पकड़ा जाए आरोपियों को, और जो मांगे थी उन मांगों के आधार पर परिवार ने धरना खत्म कर दिया है। धरना खत्म हुआ है लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए, और सवाल कई हैं। अंतिम संस्कार के लिए परिवार तैयार हो गया है, जयपुर से गोगामेडी के लिए जो पार्थिव शरीर है वो रवाना कर दिया गया है, लगभग 6 घंटे का वक्त लगेगा, और जो सुखदेव गोगामेडी का पैतृक गांव है वहां पर दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, यानी कि आज 7 दिसंबर है और आज 2 बजे गोगामेडी का अंतिम संस्कार होगा।